News 18, India. बहुत बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। दरअसल दिल्ली में आप और बीजेपी का एक दूसरे के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में है। चंडीगढ़ चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन का ऐलान किया है और दिल्ली के आईटीयू के पास डीडीयू मार्ग पर आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। करीब 1000 दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। हालांकि पुलिस ने आम आदमी पार्टी को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है और दिल्ली के कई इलाकों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पंजाब से भी कार्यकर्ताओं के पहुंचने की जानकारी पुलिस को मिली है। और यही वजह है कि तमाम ऐसे इलाके आईटीओ डीडीयू मार्ग यहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ही भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है। अब ऐसे में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ सकते हैं और इसी वजह से पुलिस ने कोई कोताही नहीं बरतना चाहिए है। आपको बताते चले, डीडीयू मार्ग सेंट्रल जिले में आता है। एहतियातन 3 और जिलों से भी दिल्ली पुलिस स्टाफ को बुलाया जा रहा है। 10 से ज्यादा ACP और कई DCP रैंक के ऑफिसर्स की तैनाती कर दी गई है। पैरा मिलिट्री फोर्सेस की 10 कंपनियां भी बुला दी गई हैं। बीजेपी का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप के खिलाफ है। वैसे दिल्ली पुलिस ने बीजेपी को भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है, लेकिन एहतियातन तैयारी यहां पर पूरी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आज आमने सामने होंगे। दोनों की तरफ से जबरदस्त प्रदर्शन किया जाएगा और उसका नतीजा कोई ऐसी तस्वीर ना निकलकर सामने आ जाए, कोई कोताही यहां पर सुरक्षा में ना हो जाए, इसी को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है, प्रियंका है, इसके अलावा दीपक और मानव है। सबसे पहले दीपक, मैं आपके पास आती हूं। डीडीयू सेंट्रल जिले में आता है, इस वक्त क्या तैयारी पुलिस की तरफ से देखने को मिल रही है? देखिए, मेरे ठीक पीछे आगे पीछे जो है प्रदर्शन को रोकने के लिए या प्रदर्शनकारियों पर काबू करने के लिए यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की और CRPF की जो टीमें हैं वो अलग अलग यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये भारी पुलिस बल जो है इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये पुलिस बल जो अलग अलग डिप्लॉय किया गया है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन सभी को लाइन टू लाइन इस पूरे रूट पर फ्लैग मार्च की तरह घुमाया जा रहा है ताकि उनको जो प्रदर्शन हुआ है उनको रोका जा सके। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इस बार दिल्ली पुलिस ने नई चीज़ ईजाद की है। पहले ये जो बैरिकेड था वो तकरीबन यहां था, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने इस बैरिकेडिंग की जो हाइट है वो तकरीबन हाइट 8 फीट के आसपास कर दी है। और यहां तस्वीरों में दिखाऊंगा, अगर जब कोई प्रदर्शनकारी आता है तो उसको यहां पर इस तरफ लाया जाएगा और ऐसे रोका जाएगा। ये देखिए, ये जो बैरिकेड्स है, पहले अमून बैरिकेड को पार करके प्रदर्शनकारी चले जाते थे, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस के भारी भरकम इंतजाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि इस बैरिकेड को पार करना बहुत मुश्किल होगा प्रदर्शनकारियों के लिए। और इसी वजह से पुलिस बल ने ये पूरी कुछ देर बाद ये रूट जो है इसी तरह से बंद हो जाएगा। और यहाँ पर जो बसें आपको दिखाई दे रही है, ये बसें यहाँ पर इसी लिए लगाई गई है ताकि कोई प्रदर्शनकारी अगर आए तो उसको जो है वो कंट्रोल करके इस पर हिरासत में लेकर लिया जा सके। भारी पुलिस बल यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में। आम आदमी पार्टी दफ्तर के ठीक बाहर की ये तस्वीरें मैं दिखाना जा रहा हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर कोई प्रदर्शनकारी इकट्ठा ना हो यहाँ पर किसी तरह से भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। और इस पूरे रूट पर धारा 144 लगाई गई है और ये कहा जा रहा है कि पहले से लगाई गई थी। देखिए, भारी पुलिस बल यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जगह जगह टुकड़ियों में पैरामिलिट्री फोर्सेस है, CRPF के जवान यहां पर है, दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर है और आप तस्वीरों में देखेंगे महिला पुलिस बल को भी यहां पर तैनात किया गया है ताकि महिला पुलिस बल किसी भी तरह से अगर महिला प्रदर्शनकारी आते हैं तो उनको भी कंट्रोल किया जा सकेगा। ये पूरी तस्वीर आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर की है और इसीलिए इस पुलिस बल को जगह जगह अब डिप्लॉय करना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय भी इसी जगह पर है। बीजेपी का भी कॉल है प्रोटेस्ट का। ठीक है, दीपक आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन तस्वीरें लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। प्रियंका भी हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, एक तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मुद्दा जो आम आदमी पार्टी जोर शोर से उठा रही है और दूसरा ईडी का समन्स भी। हालांकि अब खबर मिल गई है कि अरविंद केजरीवाल नहीं पेश हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों मुद्दे मिलाकर माना जा रहा है कि प्रदर्शन उग्र हो सकता है।
देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी उस जगह है जहां पर दिल्ली बीजेपी प्रदर्शन करने वाली थी, जहां पर आम आदमी पार्टी का वो घेराव करती। यहां की क्या सिचुएशन है पहले मैं ये आपको दिखा दूं। यहां आप देखिए कि किस मात्रा में जो पुलिस संख्या है वो यहां पर बनी हुई है। यहां पर महिला पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे हैं, पुलिस बल आपको नजर आ रहा है, एंटी रायट गियर में तैयार पुलिस बल भी नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं उन्होंने पूरा एंटी रायट गियर पहन रखा है। तो यहाँ पर इस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है, रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां यहाँ पर रखी हुई है। इसके बाद ये पूरे इलाके को ब्लॉक कर दिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ से इस तरफ को जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आम आदमी पार्टी का मुख्यालय आता है, और उसके लिए भी रास्ते रास्ते में आप देखिए कि टुकड़ी पुलिस वालों की यहाँ पर मौजूद है। ये यहाँ पर पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। इसके बाद डीटीसी बसेस, पुलिस की बसेस, विक्रांत, वज्र, तमाम तरीके की तैयारियां जो है वो की गई है। ये वो स्पॉट है जहां से दिल्ली बीजेपी प्रदर्शन करती है, और अमूमन पहला बैरिकेड यहीं पर लगाया जाता है उनको रोकने के लिए, लेकिन आज ये बैरिकेड यहां लग चुका है। यानी कि पहले तो यहां पर किसी के आने की अनुमति नहीं है। दिल्ली बीजेपी का दावा है कि उनको परमिशन मिली हुई है, लेकिन यहां पर तैयारियां देखकर साफ कहा जा सकता है कि परमिशन नहीं है, क्योंकि पुलिस पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आ रही है। यहां आप देखें जिस तरीके से हम लगातार बता रहे हैं कि रोड के दूसरी तरफ भी टुकड़ियां तैनात है, रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। आईटीओ से अगर आप डीडीओ मार्ग आना चाहते हैं तो आने का रास्ता आपका ब्लॉक है। आप केवल दूसरी तरफ से यानी आम आदमी पार्टी की ऑफिस की तरफ से आईटीओ की तरफ बढ़ सकते हैं। एक साइड की पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, और जाहिर तौर पर दिल्ली बीजेपी का आज का जो प्रदर्शन था वो केजरीवाल सरकार के तमाम घोटाले और जिस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड के दो अधिकारियों को कल ईडी ने गिरफ्तार किया है, इन तमाम मुद्दों को लेकर था। और ऐसे में इनकी प्रोटेस्ट कॉल और जो आम आदमी पार्टी की प्रोटेस्ट कॉल है उनका समय भी तकरीबन सेम था। दोनों ही प्रोटेस्ट जो है वो 11:30 से 12:45 के बीच में थे, और इसीलिए ये पूरा डिप्लॉयमेंट जो है आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि आईटीओ के आने वाले रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। ये एक और सड़क है जो आईटीओ से इस तरफ को आती है जिसे ब्लॉक कर दिया गया है, जहां पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों पार्टियों के मुख्यालय यहां पर है, नेशनल हेडक्वार्टर्स यहां पर है, और ऐसे में दोनों पार्टियों ने प्रोटेस्ट की कॉल की थी। अभी जो जानकर देखिए हम जो आपको बता रहे हैं कि तैयारियां पूरी हैं, तो टियर गैसेस यहां पर नजर आ रही हैं। जैसे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जो दंगा निरोधक किट होती है उसमें तमाम जो पुलिस वाले हैं वो नजर आ रहे हैं। इधर से थोड़ा पीछे जब हम जाते हैं तो आरएएफ की यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी हमें नीली वर्दी में पीछे की तरफ नजर आती है। तो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था यहां पर नजर आ रही है, और लगता नहीं है कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर पाएंगे। जी बिल्कुल प्रियंका, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कोई भी कोताही जो है पुलिस यहां पर बरतना नहीं चाहती है। मानव भी हमारे सहयोगी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से बने हुए हैं, मानव, क्योंकि देखिए ईडी ने भी समझ भेजा अरविंद केजरीवाल को, वो आज नहीं आ रहे हैं। लेकिन क्या हलचल नजर आ रही, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि पंजाब से भी कुछ कार्यकर्ता आज इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। अब क्योंकि पुलिस बल की तरफ से इतनी सख्ती यहाँ पर बरती गई है, कोई आगे की रणनीति आपको पता चल पाई हो, क्या रणनीति रहने वाली है प्रोटेस्ट की? देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने ये ट्वीट किया है, और ट्वीट करके आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा करने की कोशिश की गई है कि आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पंजाब या दूसरी जगहों से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, जहां पर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें शामिल होने के लिए उनको हिरासत में लिया जा रहा है। जो बसेस दिल्ली की तरफ आ रही हैं उनको रोका जा रहा है, तमाम तरीके के आरोप दिल्ली पुलिस पर अब अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल जहां पर मैं मौजूद हूं ये अरविंद केजरीवाल का सिविल लाइन जिससे सरकारी आवास है, 6 फ्लैगस्टाक मार्ग, यहाँ पर अमूमन होता यह था कि जब ईडी का नोटिस आता था तो उसके बाद यहाँ पर काफ़ी हैवी डेवलपमेंट पुलिस के सुरक्षा बलों के होते थे। लेकिन क्योंकि पहले से ये घोषणा हो चुकी है कि आम आदमी पार्टी के बाहर ही प्रदर्शन होना है, बीजेपी हेडक्वार्टर के पास प्रदर्शन होना है, तो अब यहाँ पर आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था के उतने कड़े इंतजाम नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल यहीं से ही तकरीबन 11 बजे के आसपास कूच करेंगे आम आदमी पार्टी दफ्तर की तरफ और वहां पर प्रदर्शन करेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से सुबह ही ये खबर दे दी गई है, एक लिखित बयान जारी किया गया है कि आम आदमी पार्टी ईडी के द्वारा जो जारी किए गए समन को गैर कानूनी मानती है। और ठीक है मानव, आप आइए जल्दी से इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी हम बता देते हैं कि ईडी का समन केजरीवाल को मिला था जो कि पेश नहीं हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव को लेकर की प्रदर्शन कर रही है, और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है क्योंकि यहां पर बैरिकेड्स किए गए हैं। दीपक, जो डीडीयू मार्ग पर आप हैं, दोनों पार्टी के दफ्तर वहीं पर मौजूद है, और केजरीवाल और आतिशी कह रहे हैं कि इतनी घबराई हुई बीजेपी क्या है, इस वक्त क्या माहौल है, क्या कोई बड़े नेता दफ्तर में पहुंचे हैं, क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए अभी जो आम आदमी पार्टी दफ्तर है ठीक उसके बाहर हुआ प्रदर्शन, आप प्रदर्शनकारियों का जो स्टैंड है वो ठीक गेट के बाहर है और उसके वहीं पर आपको यहां पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी दिखाई देगी, क्योंकि यहां पर इसलिए पुलिस बल को तैनात किया गया है कि कोई कार्यकर्ता इस तरफ अगर आता है या भीड़ आती है तो उसको तुरंत रोका जा सके। देखिए बैरिकेडिंग शुरू हो गई है, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के चारों तरफ बैरिकेडिंग शुरू करके रास्ते बंद कर दिए गए हैं और अब यहां पर की मूवमेंट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की पूरी जो एक कंपनी है उसको यहां पर बुला लिया गया है, आप तस्वीरों में देखेंगे भारी पुलिस महकमा यहां पर मौजूद है। किसी भी तरह से डीडीयू मार्ग के आसपास कोई इस तरह से प्रदर्शनकारी ना पहुंचे क्योंकि यहां पर परमिशन की अनुमति नहीं है। दिल्ली पुलिस ने पहले ही कहा था इससे पहले यहां पर कोई पहुंच ना जाए उसको लेकर भी सादी वर्दी में पुलिस बल को आगे पीछे तैनात किया गया है, लेकिन आप तस्वीरों में देखेंगे सब अपना अपना मोर्चा यहां पर संभाल चुके हैं और पुलिस फोर्स की मौजूदगी आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर आपको दिखाई दे सकती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस रैपिड एक्शन फोर्स जो सबसे पहले एक्शन लेती है, अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो उनको इस तरह के इक्विपमेंट्स दिए हैं ताकि वो किसी भी हद तक यहां पर कोई भी अगर प्रदर्शनकारी होता है तो उस पर काबू पा सके। देखिए हर अलग अलग जो आम आदमी पार्टी दफ्तर के चारों तरफ की जो सड़कें होती हैं हर गली में डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है ताकि कहीं से भी कोई यहां पर ना पहुँच पाए और पुलिस बल को खासा यहां पर हिदायत दी गई है कि अगर कोई प्रदर्शनकारी किसी तरह की भी कोई हरकत करता है तो उसको तुरंत ही कंट्रोल में रखा जाए और इसीलिए सभी बैरिकेड्स यहां पर लगाए गए हैं, बैरिकेड्स को रखा गया है, साथ ही पुलिस बल को यहां पर तैनात किया गया है। ठीक है दीपक आप बने रहिए हमारे साथ, प्रियंका भी हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका ये तो इन तस्वीरों को देखकर तय माना जा रहा है क्योंकि परमिशन भी नहीं है, जब बड़ी तादाद में अगर प्रदर्शनकारी जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचते तो उन्हें पहले ही रोक दिया जाएगा, क्या समय को लेकर कोई अपडेट प्रियंका और आप आया है ये भी बताइए और तस्वीरें दिखाइए। देखिए मैं आपको तस्वीरें साथ साथ दिखाती रहती हूँ, पहले तो मैं आपको इधर दिखा दूँ किस तरीके से पूरी टुकड़ी जो है पुलिस की तैयार है जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी है पुरुष पुलिसकर्मी भी है, यहाँ पर उनको ब्रीफ किया जा रहा है तो यहाँ पर उनकी तैनाती नजर आ रही है। पीछे टुकड़ियों में आप देख रहे हैं कि अलग अलग क्योंकि जहाँ बताया जा रहा है 1000 से ज़्यादा पुलिस डिप्लॉयमेंट है तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर अब बैरिकेड किया जा रहा है पूरे इलाके को क्योंकि जैसे हमने बताया कि एंट्री अब आईटीओ पे बंद हो गई है और ये नीली वर्दी में आपको रैपिड एक्शन फोर्स की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। समय दोनों के ही प्रोटेस्ट के तकरीबन साथ है, 11 से 12 बजे के प्रोटेस्ट का टाइम है दोनों ही पार्टियों का जो 11:30 के लगभग दिल्ली बीजेपी जो है वो जहां फिलहाल मेरी मौजूदगी है यहां से प्रोटेस्ट करते हुए आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाने की कोशिश कर रही थी और 11:30 के लगभग ही आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट टाइम था जो अपने दफ्तर से बीजेपी मुख्यालय यहां से जाती। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं यहां पर ये देखिए कि जब बीजेपी का जब भी प्रोटेस्ट होता है जब भी हमने देखा आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर तो यहाँ ये जो बैरिकेडिंग आज लगी है ये बैरिकेडिंग नहीं होती है, इसके बदले दूसरी तरफ बैरिकेडिंग होती है जहां पर अभी फिलहाल आपको पूरा जो पुलिस बल है वो नजर आ रहा है, वज्र विक्रांत एंटी राइट गियर जो हम लगातार बता रहे हैं तमाम तैयारी यहाँ पर देख पा रहे हैं। प्रियंका दीपक मानव आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से प्रोटेस्ट यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से दोनों तरफ से बुलाया गया है लेकिन पुलिस की भी तैयारी ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही है।